सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम आ चुके हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम जा रहे हैं दोस्तों। बने रहना ब्लॉग में और देखते हैं क्या क्या माहौल बनता है और कितना इंजॉय करते हैं हम लोग स्टेडियम के अंदर, है ना। मिलते फिर ब्लॉग में। चलते फिर अंदर बोझ थोड़ा सा टहल के और देखते हैं स्टेडियम में क्या व्यू बनता है अंदर का और क्या माहौल बनता है। ये फिर मिलते हैं ब्लॉग में बॉस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई अपने वो साउथ गेट का तरफ जाना होगा भाई। कहीं साउथ गेट का हम लोग को मिला है और साउथ गेट जाते हैं हम लोग, देखते हैं फिर क्या माहौल बनता है भाई अपना, है कि नहीं। अंदर का जो है व्यू हम लोग देख के आते हैं, मज़ा आने वाला है। चलते हैं अंदर फिर देखते हैं क्या सीन बनता है भाई। किधर है वेस्ट विंग को दिखाया यार। चलते हैं यार देखते पता नहीं किधर से है लेकिन है वेस्ट विंग। समझ में ना रहा वेस्ट विंग है डी है वैसे। चलते वेस्ट विंग में भाई ये देखते वेस्ट विंग डी है। चलो भाई अंदर लीजेंड का मैच देखो बाबू, लीजेंड का मैच टिकट के साथ। चलते हैं भाई। भैया वेस्ट विंग किधर? वेस्ट विंग क्या भैया क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। ये हमारे एस्टेट प्लेयर्स हैं भाई यहाँ पे। समझ सकते भैया हम भी आप ही से हैं। विंग ए किधर जाना हो भैया?
इंटीरियर हॉल देख लो भाई, चले अंदर आओ। यस मजा, ये है मजा। One hour later. Amla! भाई देख लो सब प्रैक्टिस कर रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है मैच। ले लेता है पूरा। जे जे। अरे भाई ये कौन सा भाई, आप टिकट। सो भाई सामने से मैं लेजेंड लोगों का जो मैच देखने का फील जो आ रहा था ना अलग ही था। और वहाँ पे जो देख रही है गौतम गंभीर ना कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा था, और ये हम लोगों का क्या नाम था बॉलर स्पिनर था, झारखंड का ही था वो भी, सब मतलब फील्डिंग करा था भाई। यंग क्रिकेटर लोग जो था, ओल्ड लोग जो थे, अच्छा खासा अपना फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, और नेट जो चल रहा था मतलब कर सब प्रैक्टिस सेशन पे थे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो भाई फिर कुछ समय के बाद प्रैक्टिस नेट ख़त्म करने के बाद उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी जो था बहुत अच्छा खासा हुआ। पहले तो अंपायर लोग बाहर आए, दोनों फीमेल अंपायर थे, और उसके बाद इरफान पठान अपना टीम लेके एंट्री कर रही है। देखिए इरफान पठान जो है अपना टीम लेके एंट्री किए, फिर जो है अच्छा खासा उनका वेलकम किया गया ग्राउंड पे। तो उनको होने के बाद फिर बैट्समैन लोग जो है अपना मतलब आन रहे थे, वो भी ड्रेसिंग रूम से आए बाहर, फिर वो ग्राउंड के लिए आएंगे। देखिएगा वो, देखिए गंभीर और हर्ष मामला दोनों साथ में ही आ रहे हैं देखिए। और मतलब अच्छा खासा जो है ओपनिंग सेरेमनी रांची की तरफ से हुआ लेजेंड लीग का। हंसी मामला ये चल दिए, फिर धीरे धीरे रनिंग करते हुए गंभीर भी जो है अपना स्ट्रेचिंग करते हुए जा रहे थे। तो फिर एम्पायर लोग अपना गेम स्टार्ट करवाने के मूड में थे, तो जल्दी जल्दी फिर गेम हुआ वहाँ पे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए वो जो पहले जा रहे वो गंभीर और हंसी मामला जो पीछे से जा रहे हैं, सोचिए दोनों बातचीत करते हुए जा रहे हैं। और ये ग्राउंड देखिए जेसी स्टेडियम रांची, यहीं पे पहला मैच लेजेंड लोंग का हो रहा है 23 सेशन मतलब जो है हो रहा है। और अच्छा खासा बोला जाए तो भाई झारखंड को मतलब रिप्रेजेंट किया ये लोग, झारखंड अच्छा से दिया हर चीज़, कुछ कमी नहीं हुआ भाई ये लोगों का हर तरफ को। फिर भाई मेरे साथ ना ये देखिएगा कुछ आदमी लोग थे जो यहाँ पे बैठे हुए थे जस्ट। फिर थोड़ा देर के बाद वो मेरे क्लब के एक भैया जो थे सीनियर प्लेयर बॉलर जो थे बिनी भैया, वो भी वहाँ पे आए हुए थे, तो उनसे भी भेंट मुलाकात हुआ। ये देखिए भाई जितना भी यहाँ पे क्राउड आप देख रहे हैं ना सब अपना एंजॉय में थे भाई, गाना भी एक से एक बज रहा था, सब कोई डांस भी कर रहा था क्राउड गाना पे, फुल एंजॉय कर रहा था सब कोई भाई। और क्या ही बोले मतलब जो था अच्छा अच्छा गाना बज रहा था मस्ती मूड के लिए, फ्रेशनेस जो था ना गाना में। और जो गाड़ी जो देख रहे ग्राउंड पे ये ना ड्यू
साफ़ करने के लिए आया हुआ था। ये ड्रिंक्स ब्रेक था तब का, मतलब काम चल रहा था क्योंकि ड्यू बहुत ज़्यादा गिर रहा था ना, उसके लिए ही मंगा के स्पेशल वो ड्यू सब वो हटाने के लिए अपना काम पे चल रहा था। फिर क्या भाई, मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया, मतलब हाईली एरिया पे आने के बाद वहाँ से मैं सूट ले रहा था तो कुछ इस तरह इस टाइप का व्यू आ रहा था। तो फिर शॉट लेने के बाद थोड़ा देर मैंने वहाँ पे रहा, देखा व्यू अच्छा आ रहा था ग्राउंड का, तो और देर तक थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैंने चाह पड़ा। फिर फर्स्ट ईयर पे जा रहे थे तो फिर ये नाइट व्यू जो हमको ऊपर से दिख रहा था स्टेडियम के ऊपर से, मतलब ये देखिए मैं चल रहा हूँ अभी फर्स्ट टीयर के लिए, ऊपर से व्यू देखना क्या क्या आता है वो देखना आप। ऊपर से ये व्यू देखो कैसे आ रहा है भाई, पूरा ग्राउंड जो है गोल दिख रहा था। फिर भाई दोनों पठान ब्रदर्स बैटिंग करने के लिए आए हुए थे, इरफान पठान और यूसुफ पठान, गर्दा मार मारा भाई दोनों, बॉल का धागा खोल दिया मार के। यूसुफ पठान आते आते एक छक्का, इरफान पठान आके वहाँ पे खड़ा होके पीट दिया सबको, 19 बॉल में मार दिया 60 के प्लस रन मार दिया, बहुत गर्दा मार मारा भाई, ऐसा मार मारा ना कि बोलने लायक नहीं है। गौतम गंभीर का मुंह हो गया बंद और वो बेचारा हार के चले गया, और ये क्राउड जो था पूरा एकदम चिल्ला रहा था पठान 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 ब्रदर्स के, पूरा पावर जो है ना आज हम लोग सामने से देखे लाइव, एकदम कैसा मारता है वो देखे भाई, एकदम फुल पावर एनर्जी के साथ बैट चलाता है, मान गए भैया बेस्टमैन लोग था। ऐसे ही नहीं, ये लोगों को लेजेंड बोला जाता है। ये देखो इरफान पठान अभी बैटिंग कर रहा ना, ये देखो कैसे खेलता है, ये देखते रहना, बहुत एकदम टाइम लेके खेलता है, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत समय इसके पास, ऐसे खेलता है ये। देखो जितना पैसे फेंके तो नॉर्मल खेलेगा, देखो ये देखो पहला बॉल था थाई पे लगा, दूसरा बॉल देखो क्या करता है, लेकिन वही भाई बहुत टाइम है लोगों के पास, ये देख लो सामने से सिंगल चुरा लेता है, क्या बात है यार। देखना भाई फिर एक लंबा छक्का टानेगा यहाँ से पठान, देखो कितना लंबा छक्का टानता है, सामने मारता है पूरा भयंकर टाइप का मारता है भाई, पेसर सबको तो नॉर्मली ये लोग खाली टाइम करे छक्का कर देता है, बहुत समय ये लोग पास, लेकिन जो बोलो एकदम करदा मारता भाई टाइम पे। फिर भाई थोड़ी देर के बाद फिर हम स्क्रीन के पास आ गए, फिर देख रहे थे सामने से भी देखे और स्क्रीन में भी देखे, बॉलर का तो मुंह बना दिया था मार के, हाँ और इतना अच्छा नाइट व्यू आ रहा था ना स्टेडियम का, क्या ही बोल सकते भैया, एकदम एकदम सामने से मार, लग रहा था कि हाँ भाई इसमें खेलने बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन करदा भाई बैटिंग जो है दिल खुश कर दिया इरफान पठान का, बहुत खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक। एक श्रीलंका का प्लेयर भी था बगल में का बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर का कुछ नाम है, अच्छा तेज फेंक रहा था भाई, उसका हाथ में मारा था कॉटन बोल्ड मारा था वो, आते आते ही कॉटन बोल्ड मारा कि उसको, श्रीलंका के पुराना बैट्समैन था दिलशान को मारा कॉटन बोल्ड, एकदम तेज फाटदार शॉट को दम कॉटन बोल्ड मार के भाई उसको विकेट ले लिया। ये देखो यही बॉलर है, क्या नाम है इसका पता नहीं, बहुत गर्दा कैच लिया था ये। फिर भाई मैं तो फिर वहाँ से निकलने के बाद सोचे कि अब निकल के अब चलते हैं घर, क्योंकि समय हो चुका है ज़्यादा और मुझे पैदल आना था घर, तो मैं वहाँ से फिर चल दिया घर के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताना और अपना अपना प्यार देना भाई, सपोर्ट करना कि अच्छा बना कि नहीं बना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना नाइट व्यू कैसा लगा जैसे स्टेडियम का, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।